अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 अगस्त की रात को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा नाम के एक छात्र को गौ रक्षकों ने गौ तस्कर समझकर मार डाला। ये मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लगभग 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया और पशु तस्कर समझकर उसमें बैठे लोगों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में आर्यन को गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गतपुरी टोल पर लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की है। सीसीटीवी में कार का पीछा करते हुए आरोपियों का वीडियो कैद हो गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि 23 अगस्त की रात आरोपियों को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि फॉर्चुनर और डस्टर कार में कुछ पशु तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं और जहां भी उन्हें पशु मिल रहे हैं वे उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। अतुल रंजन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल रंजन, सिर्फ शक के आधार पर 12वीं के आर्यन मिश्रा को यहां पर मार दिया जाता है, इसमें पुलिस का क्या कहना है? आखिरकार कैसे लगभग 20 किलोमीटर तक ये जिन्होंने ये मारपीट की है वो लोग पीछा करते रहे आर्यन मिश्रा का और पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई? देखिए, जो आरोपी हैं उनके मुताबिक उनके जो मुखबिर हैं उनको ये सूचना दी गई थी कि डस्टर कार में कुछ आरोप कुछ गाय के तस्कर हैं, वो शहर की रेकी कर रहे हैं और जहां भी उन्हें पशु मिल रहे हैं वो उन्हें उठा ले रहे हैं कंटेनर के माध्यम से। तो इस शक के आधार पे ये जो लोग हैं, ये जो काउ विजिलांटेज हैं जो सो कॉल्ड हैं, वो उनका घूम शहर में घूम रहे थे और ऐसे कारों की तलाश कर रहे थे। और जैसे ही पटेल चौक पे उन्हें ये कार दिखी, डस्टर कार दिखी, उन्हें शक हो गया कि शायद यही कार है जिससे वो रेकी की जा रही है। इसके बाद वो इस कार का पीछा करने लगे, लेकिन जब पीछा कर रहे थे तब ये कार जो है वो जिसमें ये छात्र सवार था उन्हें वो डर गए कि पता नहीं क्यों इस वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद वो कार की रफ्तार बढ़ा दी गई जिससे इनका शक जो काउ के जो विजिलांटे से गौरक्षक थे उनको लगा कि शायद ये वाकई अपराधी हैं, तो इनका और पीछा किया गया। तकरीबन 30 किलोमीटर तक पीछा किया गया और जिसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें आर्यन की मौत हो गई। तो फिलहाल तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में भेज दिया है पुलिस ने। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई पुख्ता बयान नहीं दिया है। हमें उम्मीद है कि आज पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस मामले में और इस पर और जानकारी दे सकती है। अतुल, उस वक्त कार में कितने लोग मौजूद थे आर्यन के साथ में जब ये गोलीबारी हुई, आर्यन को गोली लगी है, आर्यन की मौत हुई है, और भी लोग क्या आर्यन के साथ में कार में मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित है? देखिए, छात्र थे उनके साथ उनके मकान मालिक और उनके जानकारों और उनके और कोई जानकार भी थे जो कार में थे उनके साथ। वो बेसिकली उस दिन वो मैगी खाने और भी डाइनिंग करने के लिए किसी मॉल में जा रहे थे और वहां से वो लौट रहे थे। जब देर रात जब वो लौट रहे थे तभी पटेल चौक पर ही आरोपियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आर्यन खुद जो कार चला रहे थे वो डर गए और गाड़ी को और तेज कर दिया, उसकी रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद ही आरोपियों ने उनका तकरीबन 30 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर दिल्ली आगरा हाईवे के गतपुरी टोल के आसपास आर्यन को जो है वो अपराधियों ने गोली मार दी और इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रिया अतुल पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 12वीं के छात्र को गौरक्षकों ने गौ तस्कर समझकर मार डाला, गोलीबारी की।